हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ। ये जॉब अपडेट है बैंकिंग सेक्टर से, तो सीधी सीधी वैकेंसी आई है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। इधर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई फीस नहीं देनी है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऑनबोर्ड कर देंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। तो बेसिकली जो लोग अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये जॉब बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एंड इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बिकॉज़ हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि कहाँ कहाँ ये वैकेंसीज़ आई हैं, किस किस जगह पर। तो इंडिया के कुछ लोकेशंस पर वैकेंसीज़ आई हैं, प्लस फ्रेशर्स एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हैं अगर आपको तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जॉब रोल के बारे में बात करेंगे, प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, और उस प्रोफाइल में एक्चुअली आपका काम क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर्म को कैसे फिल करना है। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डू हिट द बेल आइकन, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम जब भी जॉब अपडेट लेकर आएंगे, डेली एक नई जॉब अपडेट आती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, आप किसी जॉब को मिस ना करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऐसे जॉब्स करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, या वर्क फ्रॉम होम जॉब, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, अप्लाई लिंक। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने IDFC फर्स्ट बैंक का ये करियर पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम जॉब वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है एसोसिएट मैनेजर एक्विजिशन। अभी ये होता क्या है एसोसिएट मैनेजर एक्विजिशन? तो बेसिकली अभी आप नाम देखकर ही समझ रहे होंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये तो मैनेजर की पोस्ट है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी मांग रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड हैं अगर आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है एक्सपीरियंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है कि एक्विजिशन बैंकिंग में कस्टमर्स का होता है, राइट? मतलब कस्टमर्स आपके बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि ऐसे कस्टमर्स को गाइड करते हो कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल उनको प्रॉपर्टी लोन चाहिए, तो आप उसको उनको प्रॉपर्टी लोन के बारे में गाइड करेंगे। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, जिन कस्टमर्स का जो हाई प्रोफाइल कस्टमर्स है, जिनका सेविंग अकाउंट है, जिनकी FDs हैं, राइट? तो वो अपना अकाउंट माइग्रेट ना करें। कोई अगर अच्छा कस्टमर है आपका, वो अकाउंट माइग्रेट करने की सोच रहा है, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करने की सोच रहा है, तो आपको उनको रोकना है। अभी रोकने एक कैसा है, अभी ऐसे नहीं बोल सकते हो आप कि नहीं 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 कर सकते, आप नहीं करना है आपको। यू हैव सम टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी होती है। तो ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आपको कस्टमर से कैसे डील करना है। और बात करें अगर कस्टमर आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ आपका बैंक प्रोवाइड कर रहा है, अगर कस्टमर उससे खुश है तो वो डेफिनेटली माइग्रेट नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली आपका काम क्या रहने वाला है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, ठीक है। कोई कुछ सेल्स भी होंगे आपके, कुछ टारगेट्स भी होंगे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक्स टू सीनियर सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर एंड सो ऑन, एक्विजिशन ऑफ करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो भी करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स जो लोग खुलवाते हैं तो उनका बेसिकली एक्विजिशन करना है। उसके बाद इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट एंड सेगमेंट मिक्स, मतलब हर तरीके का कस्टमर आपको लेकर आना है एंड कोशिश करना है। बेसिकली कुछ टारगेट्स होंगे सेल्स के, वो आपको फुलफ़िल करने होंगे। इनके कुछ SOPs होते हैं बैंक्स के, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे आपको काम करना है, क्या क्या सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये रहा अप्लाई नाउ बटन। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन हो जाएगा, सेम पेज है। एंड आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये जो जॉब वैकेंसी है ये ट्रेंडिंग है,
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा जॉब है। एज सच इन्होंने सैलरी का डिस्कशन नहीं किया है, पर हाँ 25,000 to 30,000 आपको मिलेगा, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस से। अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है वो कोशिश करें आपको 25 से भी कम में कन्विंस कर ले। अब आप पे डिपेंड करता है आप इंटरव्यू टाइम में कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कितना नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। ये था आज का जॉब अपडेट। अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक इस टाइप का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालेंगे, आई अग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका ईमेल आईडी पर कन्फर्मेशन एक कोड आएगा, ठीक है, 4 या 5 नंबर्स का, डिजिट्स का। तो वो आपको टाइप करना है कन्फर्मेशन कोड। जैसे ही आप कन्फर्मेशन कोड टाइप करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जहाँ पर आप अप्लाई विद लिंक्डइन भी कर सकते हैं या अपने रिज्यूम से भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स भरनी है, टाइटल, मिस, मिसेस, मिस्टर, वट एवर यू आर, जो भी आप हैं वो फिल कर दीजिएगा। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी भरा हुआ है, एक बार और टाइप कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर, क्योंकि यही सारी चीज़ें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ध्यान से डालिएगा, यही फ़ोन नंबर के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जब आप इसमें ये सारी डिटेल्स भर लेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, वो ओपन हो जाएगी, जैसे कंट्री इंडिया है, स्टेट आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, सिटी क्या है आपका, टाउन क्या है, पिन कोड क्या है, एड्रेस लाइन 1, 2 जो भी आपका है तो आप प्रॉपर एड्रेस लाइंस दे दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा अपना। अपना एजुकेशन ऐड करना है, राइट, मतलब आपने एजुकेशन में क्या किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब से कब तक किया है, ऑल दीज थिंग्स। कॉलेज का कंट्री क्या है, इंडिया है या आउट ऑफ इंडिया है या जो भी है, तो ये सारी डिटेल्स भरकर आपको डन कर देना है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद जो अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर मंथ्स के फॉर्म में वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है, देखिए क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको 0 ईयर्स चूज़ करना है, 0 0, दोनों में 0 0 पुट करना है। लेकिन अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस ईयर, एक्सपीरियंस नंबर ऑफ मंथ्स, कितना मंथ्स का एक्सपीरियंस है, आप वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सपोज आपको 6 मंथ का ही एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ईयर्स में 0 आ जाएगा एंड मंथ में 1, 6 लिख देंगे आप, ठीक है। अगर आपका 1 ईयर 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप ईयर्स में 1 लिख देंगे एंड 6 मंथ्स लिख देंगे, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। एक्सपीरियंस है, आप डिटेल में लिख दीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस है, किधर आपने काम किया है, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, किस फील्ड में, जॉब टाइटल क्या रहा आपका, कंपनी नेम क्या है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब से कब तक आपने काम किया है, एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद बारी आती है स्किल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या स्किल्स हैं आपको, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी वो देखिएगा जो इन्होंने पूछा है, इनको चाहिए MS ऑफिस, MS एक्सेल का स्किल, मतलब क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये लोग डेटा, काफ़ी सारे डेटा को हैंडल करते हैं, तो जिसके लिए MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आप ये अगर आपको आता है, आप उससे रिलेटेड, इनकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड स्किल्स डालेंगे, बहुत हाई चांसेस होंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं। तो आना भी चाहिए, आप सीख सकते हो। 7 डेज का एक कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ पे आपको MS ऑफिस का सब कुछ सिखा देते हैं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस एंड ऑल। तो स्किल्स लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कहीं काम किया है, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है उस स्किल से रिलेटेड, वो आप कर सकते हो, ठीक है। स्किल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो भर के आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है, अपना मेल आईडी फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है, क्योंकि जो भी क्या बोलते हैं अपडेट आएगा वो आपकी मेल आईडी में आएगा और आपको कॉल भी आ सकता है। उसके बाद क्या होने वाला है, एक बार ये आपको कॉल करेंगे कि आपका रिज्यूम या आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो इंटरव्यू के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट राउंड, ये जो टेलीफोनिक राउंड है, ये आपका ऑनलाइन ले लें, क्योंकि नॉर्मल कॉल करके ले लेंगे, बट सेकेंड राउंड के लिए आपको इनके किसी भी लोकल IDFC फर्स्ट बैंक में जाना पड़ेगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। अभी ये तो बात थी नॉर्थ इंडिया की, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो,
नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में, गुड़गांव में, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। अगर आपको और भी जॉब्स देखनी है, आप नीचे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको अलग अलग जगह की जॉब्स मिल जाएगी। जैसे मुंबई की जॉब है, सेम पोजीशन रहने वाली है, इंडिया ओवरऑल इंडिया में जॉब है उसकी, जो अभी हम देख रहे थे रिक्वायरमेंट सेम है, लोकेशन का डिफरेंस है। हैदराबाद में, चेन्नई में सी मोर करेंगे तो और सारी खुल जाएंगी आपके सामने। तो आप अपनी सिटी, अपना लोकेशन के अकॉर्डिंग अपनी पास की लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपका जाना आसान हो। ठीक है, तो ये था आज का जॉब अपडेट। आई होप आपको ये रेलिवेंट लगा होगा। सो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देर मत करिएगा एंड अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी इशू आता है फॉर्म भरने में तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमको ऑफिशियल मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।